हेलो फ्रेंड्स, तो आज है विजयदशमी और विजयदशमी की आप सभी को आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ विजयदशमी को क्या होता है, हम लोग के यहाँ कढ़ी चावल बनता है और उसी से पूजन होता है। और यहाँ मैं अपना किचन में सारा काम फिनिश कर चुकी हूँ और अभी शाम का बज रहा है 8 और बाहर वो रावण जो है पार्क में बाहर रावण बना हुआ है और उसको जलाने के लिए बच्चे सब वही है, इब्राज भी वही है, तैयारियां चल रही है, बच्चे सारे बड़े तैयारी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे पटाखे भर के रावण को बनाया गया है तो काफी मतलब बड़ा बना है, 6-7 फुट का, 6-7 फुट का जो रावण का पुतला है वो बना हुआ है। और मेरा यहाँ शाम का खाना पीना खत्म हो गया है और मॉर्निंग में बनाया था वीडियो, तो मैंने मॉर्निंग में खाने में दाल वो कढ़ी और चावल बनाए थे और रोटी, यही मेरे यहाँ दशहरे वाले दिन यही खाना बनता है और मिठाई आती है उससे भोग लगाते हैं हम लोग और पान। तो सप्लाई वाला पानी आ रहा था वो भर गया था, उसी को मैं गई थी बंद करने के लिए और यहाँ अपने बर्तन लगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दशहरे में क्या तैयारी बच्चों ने की है और बाहर रावण जलता हुआ तो उसी की तैयारी हो रही है बाहर। और वैसे शस्त्र पूजा करते हैं लोग जिनके यहाँ जैसे कुछ भी शस्त्र होते, तलवार, पहले पुराने जमाने में लोग तलवारों की पूजा करते थे, मेरी दादी और मेरी सास भी यही बताती है, दादी बताया करती थी कि तलवार ऊंची थी, तलवार लोगों का होती थी वो पूजते थे और जो भी शस्त्र होते थे उनकी पूजा होती थी दशहरे में। तो मेरे यहाँ तो अभी कढ़ी चावल बन के हम लोग कर लेते, भगवान जी का भोग लगाते थे, बस इतना ही करते हैं और तो वो मैंने दोपहर में कर लिया था तो अभी मेरा शाम का खाना फिनिश हो गया है और अब मैं बस यहाँ से फ्री हो गई।